दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की साउथ मूवी टर्बो को, जिसकी डिमांड आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे, पर मूवी हिंदी में अवेलेबल ना होने के कारण हमें एक्सप्लेनेशन लाने में थोड़ा समय लग गया, पर आपके लिए अब एक्सप्लेनेशन आ चुका है। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिवाली का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ कंपनी के लोग एक फैमिली के घर पर आकर उनको दिवाली की मिठाई दे रहे हैं। जैसे वे आदमी घर के अंदर आते हैं तो जननी नाम की एक लेडी किचन में जाकर अपने पति वेंकटेश से फोन पर बात करती है, और जननी को पता चलता है कि उसके पति की कंपनी वालों ने उनके घर पर कोई आदमी नहीं भेजे हैं। ये सुनकर जननी चौंक जाती है और वह अपने बच्चों को किचन में बुलाती है ताकि वह अपने बच्चों को बचा सके, पर वह गुंडे भी जननी को देखकर समझ जाते हैं कि उसको उन पर शक हो चुका है। थोड़ी देर बाद वह आदमी उस बच्चे के सामने उसकी माँ को पंखे से लटका कर जान से मार देते हैं। अब जैसे ही जननी का पति वेंकटेश घर पहुँचने वाला होता है, तब रास्ते में वही गुंडे वेंकटेश को भी जान से मार देते हैं। अगले सीन में हम वक्चन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि गांव में मेले का आयोजन करवाने वाला है। वक्चन अपने साथी से बात कर रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि वक्चन को उसके गांव में ऑर्गेनाइज होने वाले मेले की काफी चिंता है, क्योंकि उसको पता था कि गांव में जब जब मेला आयोजित होता है तब तब यहाँ पर लड़ाई होती है, जिसकी वजह से दुकानदारों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और नुकसान की मेन वजह जो चेतई नाम का एक आदमी है, जो कि हर बार मेले में आकर लड़ाई करता है। इसलिए वक्चन और उसका साथी मिलकर प्लान करते हैं कि वह जोश को मेले में आने ही नहीं देंगे, ताकि मेले में कोई लड़ाई ना हो और लोग इंजॉय कर सके। अगले दिन वक्चन और उसका साथी जोश की माँ के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं कि वह अपने बेटे को गाँव से बाहर भेज दें, ताकि वह मेले में ना आए, क्योंकि जोश के आते ही मेले में कुछ ऐसा होता है जिससे लड़ाई हो जाती है और दुकानदारों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह सब सुनकर जोश की माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, जोश मेले में नहीं आएगा। अगले सीन में हम जोश चेतई को देखते हैं, जो कि काफी हट्टा कट्टा आदमी है जिससे अधिकतर लोग डरते हैं, और एक बात पक्की है कि जोश जहाँ भी जाता है वहाँ उसकी किसी न किसी से लड़ाई जरूर होती है। जोश अब अपनी माँ के साथ जा रहा होता है, तब जोश की माँ जोश को समझाकर गांव से बाहर जाने के लिए कहती है। फिर हम जोश के दोस्त जैरी को देखते हैं, जो कि चेन्नई के बैंक में नौकरी करता है और गांव फेस्टिवल के लिए आया है। जैरी अब जोश से मिलकर उसको मेले के लिए तैयार होने के लिए कहता है, पर जोश मना करके कहता है कि वह गांव के बाहर जा रहा है। असल में जोश अपनी माँ की सारी बातें मानता था। फिर जोश अपनी माँ की बात मानकर गांव से बाहर चले जाता है। तब हम देखते हैं कि गांव में एक साबू नाम का आदमी अपने साथियों के साथ आया है, जिसकी जोश से पिछली बार मेले में लड़ाई हुई थी, और वह उसी का बदला लेने आया है। कुछ समय बाद अब रात में मेले में काफी शांति थी और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। ये सब देखकर वक्चन काफी खुश होता है कि चलो जोश गया, अब लड़ाई नहीं होगी। तभी एकदम से साबू की गैंग मेले में जोश को ढूंढते हुए आती है और जैरी को पकड़कर मारने लगती है, क्योंकि पिछली बार जोश और जैरी ने मिलकर उसके साथ लड़ाई की थी। जैरी अब अपनी जान बचाकर भागने लगता है, तब वह देखता है कि जोश अपनी जीप में वापस आ गया है, जिसके बाद जोश एक एक करके साबू और उसके साथियों को मारकर घायल कर देता है। फिर साबू डर के वहाँ से भागने लगता है और जोश की माँ जोश को डांटने लग जाती है, क्योंकि जोश ने उनकी बात नहीं मानी थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जैरी को हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ उसके सर में चोट लगी है और वो बेहोश पड़ा था। जैसे ही जोश हॉस्पिटल आकर नर्स से जैरी का हालचाल पूछता है, तब वहाँ पर सीआई डेविस आता है, जो कि जैरी और जोश का दोस्त है। वह जोश को बताता है कि जैरी एक इंदुलेखा नाम की लड़की से प्यार करता है, जिससे वह शादी भी करना चाहता है, पर उसके परिवार वाले उसकी इंगेजमेंट किसी और से करवा रहे हैं। तो जोश सोचता है कि वह अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं होने देगा और उसकी गर्लफ्रेंड को जैरी के पास ले आएगा। फिर पहले तो जोश जैरी के फोन से इंदुलेखा को फोन करता है और उसको जैरी के फोन में कई सारी लड़कियों के नंबर मिलते हैं, जिसे इग्नोर करके जोश इंदुलेखा से फोन पर बात करके घर से भागने को कहता है। अगले सीन में हम इंदुलेखा और उसकी बहन निर्जना को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रही थी कि जैरी का दोस्त उसको लेने आ रहा है। तभी एकदम से जोश वहाँ आता है और इंदुलेखा की फैमिली को जैरी और इंदुलेखा के प्यार के बारे में बताकर उनके आपस में शादी करवाने को कहता है, पर इंदुलेखा के परिवार वाले नहीं मानते। तब जोश इंदुलेखा की फैमिली के ऊपर हमला करके इंदुलेखा को अपने साथ लेकर भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि जोश इंदुलेखा को जैरी की फैमिली के पास ले आया है, जहां पर जैरी इंदुलेखा को अपनी फैमिली के सामने पहचानने से ही मना कर देता है, क्योंकि वह अपने पापा से डर गया था। इतना सब होने के बाद इंदुलेखा वापस घर तो नहीं जा सकती थी, तो वह वहां से सीधा चेन्नई जाने को बोलती है, जहां वह बैंक में जॉब करती है। जोश अब इंदुलेखा को बस में बैठाकर घर जाने लगता है, और जैसे ही जोश अपने घर के पास पहुंचता है, तब उसको उसकी माँ से पता चलता है कि पुलिस जोश को ढूंढ रही है, क्योंकि उसने इंदुलेखा को घर से भगाया है और इंदुलेखा के परिवार वाले मिलिट्री में थे।
तो उनकी FIR को ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। थोड़ी देर बाद जोश का दोस्त CI डेविस उसको सारी बात बताता है और कहता है कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, ऐसा करो तुम इस गांव से बाहर चले जाओ नहीं तो पुलिस तुमको कभी भी जेल में डाल देगी। जोश फटाफट जाकर इंदुलेखा की बस पकड़ लेता है और उसके साथ चेन्नई जाने की सोचता है, जहां से वे इंदुलेखा को मना कर उसकी फैमिली के पास ले आएगा। इससे ये केस पूरा खत्म हो जाएगा और उसे पुलिस नहीं पकड़ेगी। जोश अब इंदुलेखा से बात करता है और बातों बातों में जोश इंदुलेखा को गलती से जेरी की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बता देता है, जिससे इंदुलेखा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन जब जोश की बस में आँख खुलती है तो बस खाली थी और इंदुलेखा उसे बस में छोड़कर चली गई थी। फिर हम देखते कि इंदुलेखा ICB बैंक में जाती है, जहाँ वे बैंक मैनेजर की पोस्ट पर थी। थोड़ी देर बाद जोश भी इंदुलेखा के बैंक में आ जाता है क्योंकि उसको वहाँ का एड्रेस पता चल गया था। फिर जोश इंदुलेखा को उसके गाँव चलने को बोलता है, पर वह मना करके जोश को ऑफिस से बाहर निकलवा देती है। जोश अब अपनी माँ से बात करके एक होटल में जाता है, जहाँ जोश की नहाने के लिए गर्म पानी को लेकर होटल मैनेजर से लड़ाई हो जाती है और जोश उनको खूब मारता है। अब हम देखते हैं कि इंदुलेखा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, जहाँ जोश जेल के अंदर बंद था। तब इंदुलेखा जोश को जेल से बाहर निकलवा कर अपने साथ ले जाती है और उसको अपने घर चलने को कहती है, क्योंकि जोश ने कल से खाना नहीं खाया था। जोश अब इंदुलेखा के घर जाकर खाना खाता है और कहता है कि वह तो आज अपने घर जा रहा था, पर उसकी लड़ाई हो गई और वह जेल चला गया। जिसके बाद जोश इंदुलेखा से पैसे लेकर घर जाने लगता है। तभी एकदम से गेट पर जेरी आता है, जिसे देखकर जोश उन दोनों को अकेले में बात करने देता है। जेरी अब इंदुलेखा से माफी मांगकर उसको सब सही करने को कहता है। तब इंदुलेखा कहती है कि तुमने जो अब तक किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। फिर इंदुलेखा जेरी से उन लड़कियों के बारे में पूछती है जो नाम जोश ने उसको बताए थे। अब जेरी के पास कोई जवाब नहीं था, जिस कारण इंदुलेखा को गुस्सा आता है और वह जेरी को चाटा लगाकर उससे सारे रिश्ते खत्म कर देती है। जोश भी ये सारी बातें बाहर से सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी वजह से उनकी दोबारा लड़ाई हो गई। जेरी अब जोश पर गुस्सा करके बोलता है कि जिस लड़कियों के उसके फोन में नंबर थे वह उसकी पहले की गर्लफ्रेंड थी, जिस कारण अब सब बर्बाद हो गया। यह कहकर जेरी वहाँ से चले जाता है। फिर जोश अपने दोस्त CI डेविस से बात करके वापस अपने गांव आने को कहता है, पर डेविस साफ मना कर देता है क्योंकि अगर वह बिना इंदुलेखा के यहाँ आया तो पुलिस वाले उसे जेल में डाल देंगे, इसलिए उसका वहाँ पर रहना ही सेफ होगा। इधर जेरी भी अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उसकी सीनियर उसको बहुत डांटती है। थोड़ी देर बाद जेरी के साथी सितारा उसके पास आकर बताती है कि उसके बैंक की पास की यूज करके किसी ने कस्टमर के अकाउंट से 70 लाख रुपए निकाले हैं। यह सुनकर जेरी घबरा जाता है क्योंकि इसका सारा इल्जाम उस पर आ सकता था। जेरी अब सितारा से इस फ्रॉड के बारे में पूछता है। तब वह बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक फैमिली आई थी जिन्होंने बैंक में कंप्लेन की, उनके पापा को मरे हुए 8 साल हो गए हैं, पर आज उनके बैंक अकाउंट से 70 लाख रुपए किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। वो तो उन्हें इसलिए पता चल गया क्योंकि उनके पास उनके पापा का फोन था। ये वही फैमिली के मेंबर्स थे जिसको मूवी की शुरुआत में मार दिया गया था। ये सब बताकर सितारा जेरी को बोलती है कि वह फैमिली कंप्लेन के बाद दोबारा नहीं आई, अगर वह आएगी तो जेरी फंस सकता है। जेरी को बैंक में कुछ गड़बड़ लगती है तो वह बैंक के कंप्यूटर की सारी ट्रांजैक्शन चेक करता है तो उसे कुछ बड़ी चीज पता चलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। रात को अब जेरी सितारा से मिलकर बताता है कि पिछले एक साल में उसकी बैंक की पास की यूज करके किसी ने इनएक्टिव अकाउंट में से 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, जिसको दूसरे के बैंक अकाउंट में जाते ही निकाल लिया गया है। और ऐसे ही चेन्नई में कितने सारे इनएक्टिव अकाउंट हैं, जिसमें लगभग 6000 करोड़ रुपए हैं। और अगर उनकी ब्रांच के एक एम्प्लॉय की पास की से 10 करोड़ रुपए का घपला हुआ है तो पूरी ब्रांच और चेन्नई की सारी ब्रांच से कितना घपला हुआ होगा, मतलब कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। यह कहकर जेरी सितारा को बोलता है कि जरूर इस स्कैम में कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है। तभी नेगेटिव अकाउंट की इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है। अगले सीन में हम चेन्नई के CM अरिवम को देखते हैं, जो कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थंगास्वामी और बाकी MLA के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर विंसेंट भी था, जिसने मूवी की शुरुआत में वेंकटेश की फैमिली को मारा था। थंगास्वामी अब CM के सामने वेट्रिवल नाम के गुंडे की डील रखता है, पर CM मना कर देता है कि वह पब्लिक को धोखा नहीं देगा। जिसके बाद एकदम से वेट्रिवल हेलीकॉप्टर से जबरदस्त एंट्री लेता है, जिसको सब लोग वेट्री कहकर बुलाते हैं। वेट्री एक काफी खतरनाक गुंडा है, जो कि लोगों को बिना कुछ सोचे समझे मार देता है, इसलिए सब उससे खौफ खाते हैं। खैर अब वेट्री CM के पास आकर बैठता है और वेट्री के चुटकी बजाते ही CM की पार्टी के सारे MLA वेट्री की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि उसने उनको खरीद लिया था।
बैटरी अब सीएम को मारकर धमकाता है तो सीएम बैटरी की बात मान लेता है। अब हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर मीडिया में 30 एमएलए के खिलाफ न्यूज दे रही है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए खाकर पार्टी बदल ली है, जिसमें सारा हाथ बैटरी का है। बैटरी अब अपने साथियों के साथ अपने अड्डे पर आता है, जहां से वे इलीगल रूप से समुद्र की मछलियों को सप्लाई करता है। थोड़ी देर बाद बैटरी को उसका साथी बताता है कि उनको एक न्यूज रिपोर्टर से खतरा है, जो कि मीडिया में उनकी बदनामी कर रही है, और चेन्नई के सीएम से उसको हमारे प्लान के बारे में भी पता चल गया है। तब बैटरी हंसकर बोलता है कि मुझे मजा आता है जब मेरे काम के बीच कोई टांग अड़ाता है। फिर हम देखते कि बैटरी ने उस न्यूज रिपोर्टर को लटका रखा है। फिर वे उस न्यूज रिपोर्टर को मशीन में डालकर बड़ी बेरहमी से मार देता है। इधर जोश अब इंदुलेखा से मिलकर काम मांगता है, क्योंकि वह अपने गांव नहीं जा सकता था। तभी एकदम से वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिसको इंदुलेखा ने बैंक में लोन देने से मना किया था। अब वह गुंडे इंदुलेखा पर अटैक करते हैं, तो जोश एक गुंडे को मारता है और सारे गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। इंदुलेखा अब जोश को उसके बॉस एंड्रयू से मिलाती है, जो कि काफी अमीर आदमी है, और इंदुलेखा के कहने पर एंड्रयू जोश को उसका ड्राइवर रखने को कहता है, अगर उसको जोश का काम पसंद आया तो। फिर एंड्रयू जोश को उसके साथ ट्रायल पर ले जाता है, और थोड़ी देर बाद एंड्रयू ऑटो बिल्ला नाम के गैंगस्टर के पास आता है, जो कि एंड्रयू से 1 करोड़ रुपए मांग रहा था। अब एंड्रयू के मना करने पर ऑटो बिल्ला का एक आदमी एंड्रयू और उसके बॉडीगार्ड को खूब मारते हैं। तब जोश एंड्रयू की तरफ से ऑटो बिल्ला और उसके सारे आदमियों को मारकर घायल कर देता है। ये देखकर एंड्रयू काफी खुश होता है और जोश को रहने के लिए एक फ्लैट देकर उसको अपने यहाँ जॉब पर रख लेता है। अब जोश की जॉब लगने के बाद सब सही होने लगा था, तो जोश अपनी माँ को अपने पास चेन्नई बुला लेता है, जहाँ सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ तक कि जोश ने इंदुलेखा की फैमिली को भी मना लिया था कि उसने उसको घर से किसलिए भगाया था, जिससे मामला भी शांत हो गया था। इधर इंदुलेखा जेरी के फोन कॉल और मैसेज इग्नोर कर रही थी, क्योंकि वह उससे नाराज थी। इंदुलेखा की बहन निर्जना अब जोश से उसकी शादी न करने के बारे में पूछती है, तो जोश बताता है कि बचपन में उसके गांव में एक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें उसके पापा और बहन भगवान के पास चले गए। तब उस लैंडस्लाइड में जोश की मां ने उसको बड़ी मुश्किल से बचाया, और उस ट्रॉमा के बाद डॉक्टर ने बताया कि जोश को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसने सोचा कि वह अब हमेशा अपनी मां के पास रहकर उनका ध्यान रखेगा, और इसीलिए उसने शादी भी नहीं की। यहां जेरी अब उन लोगों के अकाउंट डिटेल निकालता है जहां से पैसे निकाले गए थे, और जैसे जेरी उन अकाउंट होल्डर के घर पहुंचता है, तो वह देखता है कि जिन लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं वह काफी गरीब हैं, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं। जेरी अब थोड़ी बहुत पूछताछ करके वहां से चले जाता है। अगले सीन में हम देखते कि जेरी अपने सीनियर के पास बैठा है, क्योंकि उसने सच का पता लगा लिया था कि इन सब स्कैम के पीछे कौन है। जेरी अब उसकी सीनियर को स्कैम की सारी बात बताकर कहता है कि इस स्कैम के पीछे बैटरी नाम का आदमी है, जिसने अपनी कंपनी में काम कर रहे वर्कर की आईडी लेकर फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, जिसमें वह इनएक्टिव अकाउंट होल्डर के पैसे डालकर निकालता है, और यह स्कैम करोड़ों का है, जिसमें कोई बैंक का आदमी उसके साथ मिला है। यह सब बताकर जेरी उसके सीनियर को कहता है कि वह उसकी रिपोर्ट 2 दिन में उसको दे देगा, पर पहले उसको इंदुलेखा से बात करनी होगी, जिसके बैंक में बैटरी का अकाउंट है, क्योंकि इस स्कैम के बाहर आते ही उनका बैंक डूब जाएगा। अब सीन चेंज होता है, जहां हम देखते हैं कि बैटरी के साथ जेरी की सीनियर ही मिली हुई है, जिसको जेरी ने बैटरी के स्कैम के बारे में बता दिया था। बैटरी अब पहले जाकर कावेरी नाम की लड़की को मारता है, जिसकी गलती की वजह से ये स्कैम जेरी को पता चला। इधर जेरी इंदुलेखा के पास जाकर उसके स्कैम के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वह जेरी की एक भी नहीं सुनती। जेरी अब जोश से फोन पर बात करके बोलता है कि उसको किसी भी हालत में इंदुलेखा से बात करनी है। तब जोश कहता है कि ठीक है, तुम रात को मेरे घर आ जाना, जिसके बाद हम साथ में इंदुलेखा के पास जाकर बात करेंगे। अब जेरी जब जोश से बात कर ही रहा होता है, तो कुछ गुंडे जेरी पर नजर रखे हुए थे, तब जेरी उन गुंडों से बचकर वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि जोश जेरी से मिलने अपने घर जा रहा है, तब वह देखता है कि उसके घर में ऑटो बिल्ला का गैंग बैठा हुआ है, और जोश अब ऑटो बिल्ला के गैंग को मारकर वहां से भगा देता है। फिर जैसे जोश और उसकी मां रूम में जाते हैं, वह देखते कि जेरी की लाश पंखे पर लटकी हुई है, और ये देखकर जोश के होश उड़ जाते हैं। फिर पुलिस वाले आकर अब अपनी जांच करते हैं और जोश को बताते हैं कि जेरी की मौत सुसाइड करने से हुई है, क्योंकि उसको प्यार में धोखा मिला था, जो कि सच नहीं था। जेरी के पापा अब जोश के पास आकर काफी रोते हैं और जेरी की लाश को अपने साथ गांव ले जाते हैं। फिर रात को अब जोश और इंदुलेखा सब जेरी की मौत से दुखी थे। इधर बैटरी थंगास्वामी को मिलकर पैसे देता है, जिसकी मदद से वह सामने वाली पार्टी से अपनी डील पूरी कर सके। फिर बैटरी का राइट हैंड विंसेंट बैटरी के पास आकर बताता है कि जेरी मरने से पहले आईसीबी बैंक की मैनेजर इंदुलेखा से मिलने गया था, तो हो सकता है कि उसने इंदुलेखा को उनके बारे में सब बता दिया हो। बैटरी विंसेंट से बोलता है
कि तुम अपना काम करते रहो, मैं इंदुलेखा को देख लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंदुलेखा को उसके बैंक मैनेजर की पोस्ट से निकाल दिया गया है और इंदुलेखा अब बस से अपने घर जा रही होती है। तब रास्ते में बैटरी के गुंडे इंदुलेखा पर हमला कर देते हैं। तभी एकदम से जोश वहाँ पर आकर सभी गुंडों को बुरी तरह से मारता है और इंदुलेखा को बचा लेता है। फिर जैसे जोश और इंदुलेखा घर पहुँचते हैं, तब इंदुलेखा के घर में सितारा आती है, जो कि इंदुलेखा को बैटरी के सारे स्कैम के बारे में बताकर कहती है कि जेरी को बैटरी के आदमियों ने ही मारा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ जेरी जोश के घर आया था। तभी एकदम से विंसेंट जोश के घर आया और उसने जेरी को मारकर पंखे से लटका दिया, जो कि सितारा ने वीडियो कॉल पर देख लिया था। सितारा अब जोश को एविडेंस की फाइल देकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सीएम अरिवम कमिश्नर से बात करके कहते हैं कि उनको बैटरी के प्लान को रोकना होगा, नहीं तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगा, क्योंकि सारे एमएलए धीरे धीरे उसकी तरफ हो रहे थे। यहाँ थंगास्वामी अब बैटरी को सीएम की सारी बात बताता है। तब बैटरी बोलता है कि जिन एमएलए की उनसे बात हुई थी उनको बस पैसे पहुँचाने हैं, जिसके बाद वे पार्टी बदल कर अपोजिशन पार्टी में आ जाएंगे और फिर वे उसका पूरा सपोर्ट करेंगे और सीएम कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर एंड्रयू अब जोश को फोन करके सब बता देता है कि इंदुलेखा को उसकी जॉब से बैटरी के कहने पर निकाला गया है, जो कि काफी खतरनाक आदमी है। यह कहकर एंड्रयू जोश को उसकी फैमिली और इंदुलेखा के साथ वहाँ से जाने को बोलता है, नहीं तो बैटरी उन सबको मरवा देगा। और फिर एंड्रयू जोश को चेन्नई से भागने का प्लान भी बताता है। फिर जोश इंदुलेखा को वहाँ से भागने को बोलता है, पर इंदुलेखा कहती है कि उसको एक आदमी के बारे में पता है जो कि बैटरी को संभाल लेगा, जिसका नाम एसीपी सुकुमार है। अगले सीन में जोश और इंदुलेखा सुकुमार सर के पास जाते हैं। तब सुकुमार इंदुलेखा को सीआई शक्ति वेल से मिलाता है, जो कि उनकी मदद करने वाला था, क्योंकि सुकुमार को कमिश्नर ने अर्जेंट बुलाया था। इंदुलेखा शक्ति वेल को सारे स्कैम के बारे में बताकर कहती है कि इन सब के पीछे बैटरी नाम का डॉन है, जो कि ये सब कर रहा है, और जेरी को भी उसने ही मारा है, जिसका प्रूफ ऑटो बिल्ला है, जिसने बैटरी के आदमी को जोश के घर जाते देखा था, शक्तिवेल इंदुलेखा की बातें सुनकर केस घुमाने लगता है और उल्टा कहता है कि जोश और तुमने मिलकर जेरी को मारा है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरी पुलिस फोर्स ही बैटरी से मिली हुई है। थोड़ी देर बाद बैटरी सुकुमार के साथ पुलिस स्टेशन में आता है, जिससे साबित हो जाता है कि पुलिस बैटरी के साथी है। बैटरी अब जोश और इंदुलेखा को धमका कर कहता है कि तुम्हें थाने नहीं आना चाहिए था, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर हम न्यूज में देखते हैं कि सितारा और उसके साथी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह मारे गए, और ये सब बैटरी ने ही करवाया था। बैटरी अब जोश को गुड बाय करके चला जाता है, क्योंकि उसके पीछे अब पुलिस वाले इन दोनों को मार देंगे। अब जैसे बैटरी वहाँ से जाता है, पुलिस वाले जोश और इंदुलेखा पर हमला करते हैं, पर जोश अकेला ही पुलिस वालों पर भारी पड़ जाता है और सारे पुलिस वालों को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ये बात बैटरी को पता चलती है कि पुलिस जोश और इंदुलेखा को नहीं मार पाई, तो वह गुस्सा हो जाता है और बैटरी अब विंसेंट को जोश के बारे में बताकर इस मामले को संभालने के लिए कहता है, नहीं तो वह मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसके बाद विंसेंट अब अपने कुछ आदमियों को इंदुलेखा की बहन के पास भेजता है, ताकि वह उसको पकड़ सके, और खुद जोश की माँ के पास जाता है। यहाँ जोश को भी पता था कि बैटरी अब उसकी फैमिली पर हमला करवाएगा, तो वह अपनी माँ और निर्जना को फोन पर पहले ही सब बता देता है। फिर जैसे विंसेंट जोश की माँ के पास जाता है, उनके फ्लैट में एक जोरदार धमाका होता है, जो कि जोश की माँ ने सेटअप किया था। इधर बैटरी के कुछ आदमी इंदुलेखा की बहन निर्जना को पकड़ने जाते हैं, तब वहाँ पर ऑटो बिल्ला अपनी गैंग के साथ बैठा था, जो बैटरी के आदमियों को बोलता है कि ये घर तो उसने उस लड़के से खरीद लिया है, जिसके बाद बैटरी के आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में ऑटो बिल्ला जोश और इंदुलेखा को निर्जना और उसकी माँ से मिलवा कर अपनी गाड़ी से वहाँ से भागने को कहता है। यहाँ बैटरी अब जोश को फोन करके कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चले जाओ, बस इंदुलेखा को यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो वह सबको मार देगा। तब जोश बैटरी को चल हट कहकर फोन काट देता है, जिससे बैटरी को काफी बिज्जती फील होती है। अब हम देखते हैं कि बैटरी के आदमी ऑटो बिल्ला को पकड़कर बैटरी के पास ले आए हैं, जो कि जोश की मदद कर रहा था। तब जान जाने के डर से ऑटो बिल्ला बैटरी को जोश की लोकेशन बता देता है, और जैसे बैटरी का राइट हैंड ऑटो बिल्ला के साथ जोश को पकड़ने जाता है, वह देखते कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और जोश ने उनको चकमा दे दिया। जोश अब एसीपी सुकुमार के घर जाकर उसकी बेटी को अपने पास पकड़ लेता है, ताकि सुकुमार अपनी गाड़ी में जोश, इंदुलेखा और सभी को चेन्नई से निकाल सके। थोड़ी देर बाद जोश चेन्नई के बॉर्डर के पास पहुंचकर सुकुमार की फैमिली को गाड़ी से निकाल देता है, ताकि वह सब वहां से भाग सके। पर एसीपी सुकुमार ने भी चुपके से गाड़ी में उसका फोन डाल दिया था, ताकि बैटरी के आदमी जोश को पकड़ सके उसकी लोकेशन ट्रेस करके। अब जब जोश इंदुलेखा और अपनी माँ के साथ चेन्नई से बाहर जा रहा होता है, तभी सुकुमार के फोन को ट्रेस करके बैटरी के आदमी आ जाते हैं। फिर मौका मिलते ही वो इंदुलेखा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जोश अपनी माँ और निर्जना को एंड्रयू को सौंप देता है और खुद इंदुलेखा को बचाने जाता है। अब हम देखते हैं कि बैटरी ने थंगास्वामी को बाकी के पैसे दे दिया है, जिससे वह बैटरी की डील पूरी कर देगा।
फिर बैटरी इंदुलेखा को मारने के लिए अपने अड्डे पर जाता है और जोश को फोन करके कहता है कि तुम मेरी लोकेशन ढूंढ कर मेरे पास आ रहे हो। तब जोश कहता है कि हाँ, मैं इंदुलेखा को कैसे भी करके तुझसे बचा लूंगा क्योंकि मैंने उसको सेफ घर पहुँचाने का वादा किया है। बैटरी जोश को कहता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ की चिंता होनी चाहिए, जिस पर जोश बोलता है कि वो सेफ है, उसकी चिंता तू मत कर। तब हमें पता चलता है कि एंड्रयू बैटरी से मिला हुआ है और उसके घर पर बैटरी के आदमी जोश की माँ और निर्जना को घेर लेते हैं। अब जोश को चूज करना था कि वह इंदुलेखा को बचाएगा या उसकी माँ को, यह कहकर बैटरी फोन काट देता है। फिर बैटरी इंदुलेखा के पास आकर कहता है कि जोश तुझे बचाने नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे तो अब अपनी माँ को बचाने जाना है। यह कहकर बैटरी उसका मजाक बनाने लगता है। इंदुलेखा बैटरी को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास प्लान भी नहीं होगा। यह कहकर इंदुलेखा बताती है कि सीएम के पास तुम्हारे स्कैम के एविडेंस पहुंच गए हैं, जिसमें अब थंगास्वामी को तुम्हारी पार्टी के साथ रंगे हाथ पकड़कर डील रोक दी गई होगी और असल में ऐसा ही होता है। तभी एकदम से वहां पर जोश गाड़ी से बैटरी के अड्डे पर आता है और बैटरी के आदमी को मारकर इंदुलेखा को बचा लेता है। तब बैटरी जोश को बोलता है कि लगता है तुम्हें अपनी माँ से प्यार नहीं है जो उनको मरता छोड़ा है। जोश कहता है कि मेरी माँ सेफ है क्योंकि जब बैटरी के आदमियों ने उसकी माँ को घेरा था तब वहाँ पर मिलिट्री आ गई थी जो कि जोश ने इंदुलेखा के पापा से बात करके मंगाई थी क्योंकि वह आर्मी में थे और एंड्रयू ने बैटरी के साथ ही धोखा किया था क्योंकि वो जोश के साथ था। बैटरी अब गुस्से में जोश को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तभी एकदम से बैटरी के आदमी दोबारा से आकर जोश के ऊपर हमला कर देते हैं पर जोश एक एक करके बैटरी के सारे आदमी को मारकर धूल चटा देता है, जिसके बाद जोश और बैटरी की खूब लड़ाई होती है। तब जोश बैटरी को पीट कर उसको उसी मशीन में डालकर जान से मार देता है जिसमें वह लोगों को जान से मारा करता था। अब अगले सीन में जोश इंदुलेखा की फैमिली के साथ घर पर होता है। तब एकदम से लाइट चली जाती है और बाहर एक बॉक्स में एंड्रयू का सर रखा होता है जिसने जोश की मदद की थी और बॉक्स में एक मैसेज भी था कि तुमने अभी तालाब की छोटी मछली को मारा है, जंग तो अभी शुरू होगी, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मतलब इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा और ये देखने लायक होगा कि जोश का मुकाबला अब किससे होता है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।